गुरबाणी आख रही है। दुर्जन सेती ने हो रचायो, दुर्जन सेती ने हो रचायो, दासु बिखावने कारण ऊनी नाही झूनी नाही नाही किसे बिहूनी। और तेरे बच कोई कमी नहीं, तू पढ़िया लिखिया भी होएगा, तू अमीर भी होएगा, चार लोग तेरे पीछे भी होंगे, क्योंकि तू मेरे प्रीतम नाल मेरे सतगुरु नाल नहीं जुड़िया, उनके वालों मुंह मोड़ रहे, इसलिए तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। हैरान होना जदों सिख नूं अमृत छकाया जांदा है, अमृतधारी सिंह जिहड़े ने उहनां नूं पता है, सिख नूं अमृत छकाया जांदा है उदों पंज रहतां दित्तियां जांदियां ने भी इन्हां नाल तूं न्यू ला के रखना। लो मैं दो चीजां दो लाइनां तुहाडे सामने स्पष्ट करना चाहना गुरमत विच्चों। पंज रहतां दित्तियां जांदियां ने इन्हां नालों संबंध रखना है, इन्हां रहतां नूं अंग संग रखना है, इन्हां नालों टुटना नहीं, इहो हक दे। ते नाल चार को रहतां भी दस दिंदे ने इह तेरियां दुश्मन ने। ਭਰਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਆਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆਖੀਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਣਾ, ਗੁਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਣਾ ਨਾ ਆਖੀ, ਇਹ ਗੁਰਮਤ। ਬਲਕਿ ਗੁਰਮਤ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਧਰਮ ਕਰੇ ਸੋ ਧਰਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਪ ਕਮਾਣੇ ਪਾਪੀ ਜਾਣੀਏ। ਸੱਤੀ ਪੈਰੀ ਸੱਤ ਭਲਾ, ਬਈ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਾਸ, ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚੀ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਬੜੇ ਵਰਗਲਾਏ ਹੋਏ ਭੁੱਲੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਹ ਭਰਿਆ ਪੰਜ ਰਹਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਕੁਰਹਿਤਾਂ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਪੰਜ ਰਹਿਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣੇ। ਇਹ ਚਾਰ ਕੁਰਹਿਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਾ ਛੋਣ ਦੇ, ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਵਿਕਾਰ। ਫੈਸਲਾ ਬਣੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਪੰਥਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਾਨ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਰਾਈਏ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਨਿਆ ਮਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਸੰਦ ਆਖੀਏ? ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਈਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਆਖੀਏ? ਕੋਈ ਰਾਮ ਰਾ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਨਮੇ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਓ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਹੈ ਐਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਕਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ?
हो सकता है कोई राम राइए भी इत्थे आ जाण कल नूं तुहाडी संगत ना कट जाए। अज प्रबंधक गुरु का गुर अस्थान का गुरु सिद्धांत का नहीं गोलक का रह गया। मेरी गोलक कि वधी है किंदे आया वधी है फलाना नाराज ना हो जाए वो भलिया रोक दे अज तो मर्यादा बदल दे कि तुसी राम राइए ते पिथी चंदिया टुटन लई ना आखियो। संगत भी तो वह भी आ सकते हैं तुसी किसी को कभी पूछिया भी तू राम राइए कि पिथी चंदी है आंदे ने ना आने रोकना भी नहीं चाहिए संगत विच कोई भी आ सकता आंदे ने। पर एक ख्याल करो तुसी अपनी मर्यादा ते डिसिपलिन नहीं बदल सकते। यह स्थान केवल गुरु खालसा पंथ की विचार है इत्थे किसी राम राइए धीर मलिए नहीं परख के उनके नाल प्यार नहीं पाया जाना उन्हें सन्मान नहीं उनके सामने भी आख्या जाना है धीर मलिए ते राम राइया नाल ना वर धीर मल कौन सी गुरु रामदास साहब का पुत्र सब तो वड्डा साहबजादा गुरु रामदास साहब के घर जन्म लैन वाला। पर वह भले हो इस दरबार की गुरमत की मर्यादा यह कहती है जन्म कोई कितने लवे जिहड़ा कर्म करके बुरा हो गया ना वह प्रवान नहीं होया जन्म कित भी लवे सिख के घर जन्म लाए लवे तो सिख नहीं हों। जे गुरु रामदास साहब के घर जन्म लैके भी कुपिथिया प्रवान नहीं होया जे गुरु हर राय साहब के घर जन्म लाए के भी राम राय प्रवान नहीं होया ता फिर कर्मा दा मसला है। गुरमुख ते मनमुख दा जेड़ा वखरा धड़ा है ना उनका कारण है जेड़ा अपने आप नूं गुरु अगे समर्पण कर चुका है ते गुरु दा दर छड़ के किते नहीं जांदा उन्हूं ही गुरु अस्थान की सेवा मिलनी चाहिए। बस मकसद मेरा इन्ना है जिहड़ा दर दर भटकदा फिरे जिहड़ा हवन भी करा आवे जिहड़ा टिक्के भी लुआ लवे मोतियां अपने मड़ियां अगे मत्थे भी टेक आवे मूर्तियां अगे सिर झुका आवे साधां फकीरां पखंडियां दे दरवाजे ते भी मिन्नतां करदा फिरे ऐसा गुरु का सिख नहीं हो सकता। जे तुसी उहनूं गुरु का सिख मंनदे हो तुहाडी मर्जी फैसला मेरा नहीं बणी गुरु ने इसे लिए आख दिता सज्जन मिले सज्जना जिन सतगुर नाल प्यार एक कंसैप्ट दसिया ते दूजे पासे ये भी स्पष्ट कर दिता एक ना दर्शन की प्रतीत ना आया वो लोग भी ने जिहड़े गुरुद्वारे आउंदे ने मत्था टेकदे ने श्री गुरु ग्रंथ साहब नूं पर श्री गुरु ग्रंथ साहब ते विश्वास नहीं रखते मुड़ किसी ना किसी पखंडी साध के दरवाजे ते हाथ जोड़ खलोते ने। जे किसी दुर्जन ते सज्जन की परख करनी हो ना शरीर करके नहीं जे होने मैं एक बार की सी गात्रा रातों रात सुआ के पाया जा सकता है अमृतधारी होने का एक आडंबर दिखावा रातों रात हो सकता है पर अंदर जपजी साहब ते गुरमत सिद्धांत वसाउना ये रातों रात का कम नहीं यो कारण है। प्रकाश दाड़िया वाले उपरों की श्री साहब पहन के गुरमत का विखावा करने वाले पंथक आगू अखवाण वाले किरदार तौर पर पखंडियों के दरवाजे से मंगते हैं। जे गुरु ये गल समझावे तो उन्हें रोकोगे यह स्थान गुरमत प्रचार लई है गुरमत के कुछ कंसैप्ट ने वो सानू जीवन के हर मोड़ ते कम दिंदे ने दुनिया के किसी भी समय अंदर किसी भी मोड़ ते जाइए सानू गुरमत दी श्री गुरु ग्रंथ साहब की अगवाई लैनी पएगी ये आख के नहीं छड्या जाना चलो जी पिथियां नू भी निवाज लो कोई फर्क नहीं पैंदा आपां उहनां दी गल ना करिए फिर बदल दिओ डिसिपलिन ते आखो भी कोई पंज प्यारे अमृत छकान लगियां पिथी चंद ते धीर मलियां दा नां नहीं लै सकदे
फिर तो 22 मंजियां लगियां ही होईयां सन। मक्खन शाह लुबाणे नूं गुरु तेग बहादुर साहब ढूंढण दी लोड़ क्यों पई? 22 गुरु ओहदे हुंदे आ, और वह जिहड़े 22 गुरु सन वह भी गुरु के खानदान विचों ही सन। ज्यादा जिहड़े बैठे सन ना वह गुरु के खानदान विचों ही सन। धीर मल कौन सी? गुरु के खानदान विचों सी। मैं तो हैरान हुंदा जो प्रवानगी का मसला आता गुरमत की दुनिया विच, असी निरा पृथ्वी चंद नूं ही दूर नहीं करते, महादेव नूं ही करते हैं। हालांकि महादेव ने कोई किसी किस्म की कोई ईरखा द्वैखता वाले विरोध वाले पासे नहीं पाया। एक मस्त फकीर बच्चा सी गुरु रामदास साहब का।